वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव की जंग, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। आज नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं आकाश शर्मा। नामांकन रैली में कांग्रेस के दिग्गज शामिल रहेंगे। दीपक बैज, भूपेश बघेल रैली में शामिल हैं। तस्वीरें आ गई हैं, देख लीजिए आप। ये पहली तस्वीर है महामाया मंदिर की, जब आकाश शर्मा ने अपने नॉमिनेशन से पहले घूम चुके हैं लोग, तो नई ताजगी लोग चाहते हैं। भाई आकाश शर्मा किस लिए हम लोग उतारा है हमारे पार्टी, मतलब जो भाला का जो जिक्र नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था, वो भाला अब दक्षिण में पड़ेगा कांग्रेस? निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और वो दावा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का किला इस बार कांग्रेस भेजने जा रही है और आकाश शर्मा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश। तो आकाश शर्मा की ये इस वक्त रैली चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल भी शामिल हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार रायपुर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। आकाश शर्मा यहां से भारी बहुमत से जीतेंगे और ये रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आकाश शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महामाया मंदिर में भी पहुंचे थे, वहां पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ओवर टू यू राजेश। आप बिल्कुल देखिए, भारी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं नामांकन रैली में और बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और ये देख सकते हैं, खास बात यह है तमाम कांग्रेसी एकजुट नजर आ रहे हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो इस वक्त एकजुट नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद हैं, दीपक बैज मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है और ये देख सकते हैं महिला कांग्रेसी भी यहाँ पे मौजूद है और हम बातचीत करेंगे। मैडम, भारी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाएं भी पहुंचे हुए हैं, आप लोग भी पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? हमारे युवा साथी आकाश शर्मा को टिकट मिला है और भरपूर वोट से हम जीतेंगे ये विश्वास है और सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, रुझान भी दिख रहा है, तो उत्साह काफी ज्यादा है। बघेल साहब मौजूद है, सर उत्साह बहुत ज्यादा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता भी देख रही है, क्या कहेंगे दक्षिण के मतदाताओं? इस समय परिवर्तन का मूड है पूरे दक्षिण में, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मतलब कितना रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे? जीतेंगे, युवा चेहरा है, ताजगी है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि वही चेहरा 35 साल से देख रहे हैं, ब्रिज मोहन अग्रवाल, वही सुनील सोनी लगातार देख देख के उग चुके हैं और उपलब्धिक नाम से सुनने हैं। ये बाहरी वाद का लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है, जो बाहरी खुद हैं वो बाहरी का आरोप लगा रहे हैं। आकाश शर्मा की पैदाइशी यही की है, स्कूलिंग यही की है, गांव और जुंदा है, यहाँ जितने लोग हैं वो किसी न किसी गांव से जुड़ा हुआ है, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल भी गांव से जुड़े हुए हैं, सुनील सोनी भी गांव से जुड़े हैं, लेकिन उसका गांव कौन सा है, छत्तीसगढ़ में है कि राजस्थान में है? ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है जिनका ये कहना है कि बाहरी वाद का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन एक मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों को कि ये तस्वीर है, ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या पे, ये दूर दूर तक यदि आप देखेंगे ये सदर बाजार का रास्ता है और भारी संख्या में कांग्रेसी नजर आ रहे हैं, महिला कांग्रेसी हैं, यूथ कांग्रेसी हैं, NSUI हैं और यहाँ से कोतवाली चौक तक मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूँ, कोतवाली चौक तक पूरी तरह से ये जो रास्ता है वो खचाखच भरा हुआ है और आकाश शर्मा जिंदाबाद का जो नारा है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है और खास बात ये है हर वो बड़ा नेता आज यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं एक एकजुटता की जो पेशकश या मिसाल देने की जो कोशिश है वो की जा रही है, चूंकि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र, दक्षिण की सीट एक ऐसी सीट है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, एक अभेद किला माना जाता है और उस अभेद किले को भेदने के लिए कांग्रेसी उपचुनाव में एकजुट नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि दूर दूर तक भारी संख्या में। आकाश शर्मा से भी बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन आकाश अपने युवा साथियों के साथ नजर आ रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी है कि तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आकाश शर्मा कार्यकर्ताओं के भांति अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं, यही वजह है कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा जोश और
तो बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी राजेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैली निकाली जा रही है नॉमिनेशन से पहले। बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।